भाई साहब, इतना भसड़ वाला दिन है आज, इतना हैक्टिक दिन है। जिम गए, जिम से भागे भागे आए, जैसे आए रेंडर नहीं निकल रहा था। जो भी रेंडर अपलोड किया, मतलब जो व्लॉग अपलोड किया हमने, उसमें आधे में साउंड थी आधे में नहीं थी, जो कि इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे मैकबुक में स्पेस ही ख़त्म हो गई है। ये 2 TB की हार्ड डिस्क है, इसमें ये भी फुल हो गई है, यहाँ पे थी ये भी फुल हो गई है, मैकबुक भी फुल हो गया है। अभी हमने एक बड़ी हार्ड डिस्क इसके साथ कनेक्ट की है, पर अब इसके अलग टंटे हैं क्योंकि एप्पल में हर हार्ड डिस्क नहीं चलती। मतलब ऐसा नहीं है जैसे विंडो कंप्यूटर्स जो होते हैं उसके अंदर कोई भी आप हार्ड डिस्क लगाओगे वो चल जाती है, पर एप्पल में ऐसा नहीं होता। तो अब दिक्कत यह है कि खाली करने के लिए भी हमें वापस पीसी में जाना पड़ेगा, और तभी खाली हो पाएगा, और तभी मतलब हमारे इसमें लैपटॉप में हार्ड डिस्क में स्पेस बनेगा। तो फाइनली अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से उठाई हमने, उधर डाली है, और उधर हम फाइनली अपना मतलब जो प्रोजेक्ट फाइल है रेंडर करके देख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वहाँ पे निकल जाए, और 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। 9:30 व्लॉग यूजुअली आ जाता है 8 बजे, पर आज इतना टाइम हो चुका है। बाकी इतना मतलब हैक्टिक था कि आज मैं घर भी नहीं गया, सीधा ऑफिस आया। ऑफिस में मैंने सारा ये देखा कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं, कैसे करेंगे, और यहीं मैंने नहाया और यहीं मैंने अपनी डाइट ली। अब देखते हैं कब तक तो ये रेंडर निकलता है, अपलोड होता है। फाइनली रात के कितने बजे, 11:10:50 पे मैंने अपलोड किया है, और अभी 230 लोग देख रहे हैं। यूजुअली जब मैं 9 बजे ब्लॉग डालता हूँ तो तब ब्लॉग देखते हैं 150 लोग देखते हैं, मतलब ढाई 8 बजे जब डालता हूँ तो यूजुअली 150 लोग देखते हैं। आज हमने 10:30 बजे डाला है तो 250 लोग देख रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो 100 लोग 150 लोग वो हैं और 100 लोग एक्स्ट्रा हैं, मतलब लाइव जो देखते हैं उसी टाइम पे जब अपलोड हो रहा होता है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें सुबह डालना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग में थोड़ा लेट टाइमिंग कर दूँ, कि वही 8 बजे का टाइमिंग रखूँ। आपका क्या कहना है इस पर प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपके लिए सूटेबल टाइम क्या है। जो भी सबसे ज़्यादा कमेंट जिस जिस भी टाइम का आएगा कि ये हमारा सूटेबल टाइम है कि जिसमें हम देख सकते हैं ऑन द स्पॉट, मतलब लाइव देख सकते हैं, तो जो भी मैक्सिमम जिस टाइम पे भी आएगा वो टाइम हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो बताओ फटाफट कमेंट। नमस्ते जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार दिन में। कल धमाका हुआ था, कल ऐसा धमाका हुआ था कि वीडियो में आवाज ही नहीं आ रही। मैंने यूट्यूब लगाया, मैं देख रही थी, कल फ्री थी थोड़ा सा, 8 बजे ही देखने लग गई थी मैं। तो ना मेरे ना सिस्टम का जो हेडफोन था ना वो ही खराब था, तो पहले उसमें आवाज़ आई थोड़ी सी, फिर आगे बंद हो गई। मैंने कहा मैं उसको इतनी देर से नीचे ही ऊपर सेट कर जा रही थी पर वो ठीक ही ना हो। फिर सारी वीडियो चला के देखी मैंने, उसकी भी देखी और भी चैनल्स की, मैंने कहा सब में यूट्यूब में कोई दिक्कत आ रही है। फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम में चला के देखा और दूसरा चैनल, मैंने कहा इसमें तो आवाज़ आ रही है। फिर अपना चला के देखा, उसमें आधे के बाद आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर मैंने किया कुंवर जी को फोन मैंने पूछा कि वीडियो नहीं, वीडियो में ना आवाज़ नहीं आ रही है। उसने कहा ठीक है, फोन रख दिया गुस्से में। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए भाग के मेरे पास, वीडियो फिर मेरे पास आए भाग के, तेरे से कोई काम एक बार में सही नहीं होता। मैं कहा क्या हुआ, बोला ऐसे ही वीडियो पोस्ट कर दी तूने उठा के, देखी भी नहीं एक बार। मैं कहा देखिए, बोला क्या देखी उसमें आवाज नहीं आ रही। 50 साल तक गाइज मैंने कदे एक गोली नहीं लेके देखी, कदे मैं डॉक्टर के नहीं गई, कदे मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, आज तक मेरे एक इंजेक्शन लग गया और याद नहीं आवे। ऑफिस से हो गए वापस आ जाऊंगे वो परसों। हाँ तो परसों आएगी ना, परसों ही वो ऑफिस से होके वापस आ जाओ। आज जाएगी तो परसों आएगी ना, आज पर आज जाओगे भाभी जी। अरे आज ऑफिस से जैसे रात में होने से चली जाऊंगी, क्या पहुंचा देगी, कल छुट्टी रहेगी, कल देख जाऊंगी, परसों वही सब आएगी ऑफिस से। घर बढ़िया, ये जरूरी भी है वैसे। वेरी गुड डिसीजन, योर डिसीजन रियली प्राउड ऑफ मी, आई लाइक योर डिसीजन। I respect your decision. यार मेरे को तो दुख है। मैंने एक वीडियो भेजी है। नहीं मैं वीडियो नहीं देखता। वो कहती है, ऐसे ही कहती है फोन करके, Can I stay a bit longer? Stay forever. एक वो वीडियो थी उसमें लड़की मायके जाती है और कहती है Can I stay a bit longer? लड़का फोन उठाया था। स्टीव फॉर एवर।
अब वहीं से तू फोन करिए, मैं भी यही बोलूंगा। यार मैं कैसे रहूंगा 2 दिन? क्या क्या करूंगा मैं 2 दिन? क्या क्या करूंगा? मनी हाइस्ट के सारे पार्ट देख डालूंगा। चले जाओ ना मम्मी के साथ। यार मेरा अभी पेट में सुबह सुबह, अरे वो वाली चाय बना दे जो रात को बनाई थी, नींबू वाली ब्लैक टी, वो बढ़िया। चलो आ जाओ बना। चलो क्या, चलो बनाओ। मेरे को नहीं आता। मम्मी बताएंगी ना। मम्मी साड़ी का बेटी जाती क्यों नहीं? जाती क्यों नहीं? अभी रोटी छोड़, अब तो जाना पड़ेगा। इब्बे जाओ। मैं ये बोल रही हूँ, नहीं मत बोल। हॉस्पिटल चलते? मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। और 1 बजे तक आ जाऊंगी मैं। हाँ आराम से। नहीं नहीं नहीं, तू अपना सामान पैक कर, सामान। अरे चलो ना, चलते हैं। मैं नहीं जा रहा। भाग जाओगे भी ज्यादा दुखी करोगे तो। भाग जाएगा बुच्चिया सा। बुच्चिया क्या होता है? मेमना। मेमना से हो मेरा। मेमना मेमना मेमने पर गोदड़ा। मेमने का हाइट देख लो। ये होगी ना। अच्छा जब मैं पैदा हुआ था कितने का था? कितना था? इतना। इतना क्या होता है? इतना था एक गिलास का। इतना एक का तिलते दिखाऊंगी ना। रखे हुए बचपन के कपड़े रखे हैं। छठी के रखे थे ना। अपने बेटे को पहनाएंगे हम सेम। पर आते हैं सेम के वे पर आओ हमारे वही पहना देते हैं। कितने लाओ? बचपन वाले पैदा होने। बिल्कुल पैदा होते ही रखे हैं। जब से मैडम जी बीमार हुई हैं तब से बस मौज आ रखी है। तब से बस डाइट वाइट छोड़ के क्या कर रही हैं अब? मैं बनाने जा रही हूं फ्राइड राइस। और सुबह ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस बना रही है ये चाय के साथ। चाय के साथ हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो फ्राइड राइस खा सके। सब तुम्हारे जितने खुश नसीब नहीं होते ना फोटो एकदम में फोटो। आज के लिए इतने सालों बाद सब मनी हाइस्ट देख चुके हैं, तुम अब देख रहे हो। मैं देखो ये था कि जब तक सीजन खत्म नहीं होता तब तक नहीं देखूंगा। सीजन खत्म हुए भी बहुत टाइम हो गया। तभी तो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड आज मिला है ना। कल 4 बजे तक रात को देखा और मुझे उठाया भी नहीं, मेरे को सोफे पे ही पड़ा छोड़ दिया सुबह तक। एक बात बताओ, रात को हम मूवी देख रहे थे, सीरीज देख रहे थे, तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, तो ये अपने रूम में जाके सोई नहीं, ये साथ में ही देखते देखते सो गई। अब मैंने कहा यार इसको डिस्टर्ब करूंगा, ये भी परेशान होगी, हम भी परेशान होंगे, इससे अच्छा मैंने मस्त एसी से ठंडा कर दिया रूम, फैन वैन चलाया और मैडम को सोने दिया। और इसमें भी अब मेरी गलती है, बताओ। आजकल अच्छा सोचने का जमाना ही चला गया सारिका जी। तड़का जो मार रही हो, तड़का किंग। सुबह 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 हो रहे हैं। तुम्हें खुद मतलब अंदर से नहीं लगता कि ऐसे ब्रेकफास्ट में फ्राइड राइस और चाय खा रही है? बताओ तो। 12 बज रहे हैं। ईमान नहीं है कुछ? 12 बज रहे हैं। बताओ तो। टाइम दिखाओ पहले। सुबह सुबह टाइम दिखाओ पहले। तुमने अभी सुबह से कुछ खाया? दिस इज योर ब्रेकफास्ट ना, यस और नो? अब क्या जब इसका कोई जवाब नहीं होता ना तो ऐसे करने लगती है। बता। नहीं अंदर से आवाज नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूँ अपने शरीर के साथ। शरीर बोल रहा है कि अभी जो मन कर रहा है वो खाओ, नहीं तो तुम्हें बीमारी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, वेस्ट हो जाएगा ना चावल। ओहो अन्न की तुम्हें मैं बांट के आऊंगा सबको रोड पे। जाओ वो चावल रखे और दे दो, सब बांट दूंगा। हाँ रहन दो, बांट दूंगा। नीचे जमीन में सड़क तक तो तुमसे उतरा नहीं जाता है। हाँ चलो करो, कोई नहीं। तो गाइस चाय चलो थोड़ी सी बना दो, देखेंगे क्या पता मेरी आंखें खुल जाए चाय पीने से। चलो आज चाय भी पी लेते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, महीनों बाद मैं चाय पी रहा हूँ, महीनों बाद। नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़े दिन पहले इसने परांठे बनाए थे, उसके बाद चाय बनाई थी जो मैंने पिया था। ठीक है तो भाई साहब, एक तो हाँ जिम का अपडेट नहीं दिया भाई साहब, ताबड़तोड़ जिम चल रहा है, जिम बड़ा बढ़िया चल रहा है, तो मज़ा आ रहा है, इसीलिए हम तो थोड़ा सा दूर हैं फ्राइड राइस से। तो फाइनली सारिका जा रही है कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए बस। थोड़ा लंबा रह के आओ। रहने नहीं जा रही हूँ मैं, चाची को देखने जा रही हूँ। मैंने चाची को बताया भी नहीं है कि मैं चाची को देखने जा रही हूँ। सरप्राइज। तो सारिका जा रही है 2 दिन के लिए और मुझे बड़ा दुख है।
चाची को मैं ये भी तो बता दूँ, चाची को देखने के लिए, चाची जो है एक्सीडेंट का शिकार हो गई, वो सीढ़ियों से गिर गई, उनके टांग में ये न्यूज़ नहीं सुना रही हो तुम, एक्सीडेंट का शिकार हो गई, उनके पैर में फ्रैक्चर, दो लोग घायल हैं, अभी अभी जो हालात हैं वो अब कंट्रोल में हैं। मम्मी की, मैं पहले ही जाने वाली थी पर मम्मी की भी, ठीक है ओके बाय, सफाई तो देना दो मुझे, चलो बाय, आराम से आना। मैं अभी यही पढ़ रहा था चिया सीड्स के बेनिफिट, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ले चला ले। कौन सा दब्बा का यो ईब करे सी बंद, ईब ना कर सके यो, ईब तो इसकी बुआन चलाना आ गया। शुगर की भी देख ली, शुगर के लिए करेले पीने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बेकार चीज़ है करेले का जूस पीना, अच्छा मत पीना, ओके पीऊँ, ठीक है कुछ भी पियो करेले का जूस मत पियो, करेले का जूस नहीं पीना, ये मैंने कल पढ़ा, कोई फायदा नहीं, करेले कच्चे खा जाऊंगा, आंवला ले आऊंगा, आंवला कच्चा भी खा, आंवला इज गुड, आंवला इज गुड हो जाएगा। दिन में एक लीटर चिया सीड पानी में डाल के रखो, उबाल और, के नहीं सिर्फ ऐसे ही डाल लो एक चम्मच, उसको दो से एक से दो घंटे रखो और एक लीटर पानी को सिप सिप करके पूरे दिन में पी लो। सो फाइनली सारिका जी निकल चुके अपने घर के लिए, अब वो आएंगे दो दिन बाद, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। पता है एक बात है, जितना मर्जी हम बोलें कि किसी को भी ना कि अरे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है आराम से रह लेंगे हमें तो अच्छा ही लगेगा, पर अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता। मतलब आप बोलने को मजाक करने को कर सकते हो बट रियल में यू फील दैट एम्प्टीनेस। मतलब मैं यूजुअली ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ठीक है चीज़ों को वर्ड से ज़्यादा आप एक्शन से एक्सप्रेस करो वो ज़्यादा अच्छा है, बट समटाइम यू फील दैट कि अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई एम फीलिंग दैट थिंग राइट नाउ, और ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या करेंगे कैसे, मतलब रात को जब आपके साइड वाली जो जगह होती है वो खाली होती है, और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम वो टाइम मतलब यूजुअली हम ब्लॉग में दिखा नहीं पाते बट हम बहुत सारी बातें करते हैं फिल्मों के बारे में, लाइफ के बारे में, वो एक्सपीरियंस ही शेयर करना डेली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें यू स्टार्ट मिसिंग दोज थिंग्स ना, है ना, फिर वो नींद आना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली दो दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा शायद उससे ज़्यादा, बट जल्दी वापस आ जाएगी, और कभी कभी शब्दों से भी एक्सप्रेस कर देना चाहिए, ठीक है दैट्स इट, ओके कल मिलते हैं रात 8 बजे, टाटा बाय बाय बैग चम्मा।